अस्सलाम वालेकुम। सुबह का टाइम है नारान में और मौसम बहुत अच्छा है और नहा धो के फ्रेश हो गए हैं जी सब। और ये हम जिस होटल में ठहरे हैं, ये मेरे पीछे इसका रूम का आपको नज़र आ रहा है। तो रात को हमने सस्ता रूम लिया है यहाँ पे, काफ़ी 1500 का एक रूम, 10 लोग थे, पाँच एक रूम में 1500-1500 में दो रूम लिए हैं जी। सस्ता इस वक्त तो सस्ता नारान है जी, क्योंकि इस वक्त लोग ज़रा कम हैं और ये आप देख सकते हैं पीछे खामोशी है। होटल्स वगैरह के सारे रूम्स में कमरे काफ़ी खाली हैं, यानी कि अगस्त की एंड तक या अगस्त के दरमियान में आएँ तो ये काफ़ी सस्ता हो जाता है नारान। तो सस्ता नारान इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगस्त में ज़रा रश कम होता है तो होटलों में किराए कम हो जाते हैं जी। और मौसम यहाँ का बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। तो बाकी आपको मौसम का नज़ारा कराता हूँ जी। और रात में बारिश हुई थी, उसकी वीडियो भी इसके साथ ही मैं अपलोड करूँगा नारान की। और काफ़ी बारिश थी रात को, और अब तो सुबह का टाइम है जी। इतना प्यारा व्यू है और बारिश ज़बरदस्त तेज़ हो रही है। और इस साइड पे देखें, मेरे इस साइड पे पीछे आप देखें बादल जो है पहाड़ों के ऊपर बिल्कुल तेज़ बारिश हो रही है। और इधर नारान का बाजार है सारा इस साइड पे, और ये आप देखते जाएं नारान के होटल वगैरह सारे, और बादलों ने फूल घेरा हुआ है जी, और फुल तेज़ बारिश हो रही है। नीचे रोड पर आप देख सकते हैं फुल तेज़ बारिश हो रही है। जी बारिश साइम साइम सर्दी लग रही है, सर्दी लग रही है और बारिश तेज़ है जी। ये सामने आप देख सकते हैं नज़ारे हैं बारिश का, बहुत प्यारा मौसम है इस वक्त। और ये देख सकते हैं कितनी तेज़ बारिश है और काफ़ी ठंड हो गई है। ये बाजार है, लोग बारिश से कैसे भाग रहे हैं, और पानी खड़ा होना शुरू हो गया जी। बहुत प्यारा मौसम है और गाइस ये जो नज़ारे हैं बारिश की, इतनी तेज़ हो रही है, ये आप देख सकते हैं बहुत तेज़ बारिश है। और सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है जी। और ये सारे दोस्त वगैरह ने खाना खा के, और ये हाँ जी जी ये सुबह का मंजर है, सामने बादल है और नज़ारा अच्छा है जी यहाँ का। बहुत प्यारा मौसम है, ठंडा ठंडा नहाए हैं, फ्रेश हुए हैं और साइम भी तैयार हो गया है। और चावल बना रहे हो जी, और नाश्ते के तौर पे चावल तैयार हो रहे हैं जी। और इसी होटल में हम ठहरे हैं, ये जो आपके रूम वगैरह है ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये चेयर भी टेरेस में पड़ी हैं। खाना तैयार हो रहा है जी होटल में, और ये हमारा रूम था जहाँ हम ठहरे हैं। और यहाँ पे चाचा जी तैयार हो गए हैं जी, इस रूम में ठहरे हैं हम लोग। ये अभी तो गंद डला हुआ है काफ़ी, और होटल बारह में सस्ता मिला है जी। जी व्यूवर्स, जहाँ पे हम लोग ठहरे हैं इसके होटल का जो बिल्कुल सामने लाहौर ब्रोस्ट है, लाहौर ब्रोस्ट के सामने ये गली है, ये आप पीछे देख सकते हैं लाहौर ब्रोस्ट, ये सामने नज़र आ रहा है आपको। तो लाहौर ब्रोस के बिल्कुल सामने गली में लेफ्ट पे ये होटल है, और इसका नाम है वाइट पैलेस होटल जी। और यहाँ पे रूम जो थे हमें सस्ते मिले हैं जी। तो काफ़ी लोग पूछते हैं ये जगह कहाँ है, तो इसलिए मैंने बता दिया है कि ये जगह यहाँ पे है। नारान में आए तो एंटर होते साथ ही राइट हैंड पे लाहौर ब्रोस्ट आएगा, लाहौर ब्रोस्ट के बिल्कुल सामने गली है, मस्जिद अबू हरेरा भी लिखा हुआ है वहाँ पर, ये आप देख सकते हैं नीचे। तो इस गली में हम लोग ठहरे हैं। तो गाइस मेरा ये सस्ता नारान होटल जो है, इस वक्त अगस्त की हम आज 24 तारीख है, 23 को हम लोग 22 को निकले थे, 23-24 तारीख है आज। तो इसलिए यहाँ पे आप लोग आए और ठहरे, और यहाँ पे नज़ारे अच्छे हैं जी, मौसम अच्छा है। अब हम लोग जा रहे हैं सैफुल मुल्क, तो मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। तो गाइस तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, रान को दीजिए इजाज़त।